महीनों में पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन देखने को मिला। हालांकि धीरे धीरे ही जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण घटने लगा, सरकार के द्वारा रियायतें देने लगी, कई जगहों पर छूट भी दिया जा रहा था। वहीं अगर हम बात करें तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के भटिंडा फॉल में, और यहाँ पर जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले साल के मुकाबले भी यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आ रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से सरकार के द्वारा तमाम तरह के गाइडलाइन दिए गए थे, इसका पालन करते हुए लॉकडाउन में भी पिकनिक मनाने का आदेश सरकार के द्वारा दिया जाने लगा, कई जगहों पर रियायत दी गई। अगर हम बात करें भटिंडा फॉल की तो आप देखिए कि इस वक्त मैं भटिंडा फॉल में मौजूद हूँ, और अगर यहाँ की स्थिति की हम बात करें तो उसी प्रकार से हमें सैलानी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सरकार के द्वारा तमाम तरह के गाइडलाइन को जारी किया गया था कि लोग जो है कम ही दिखेंगे, ज़्यादा लोगों को नहीं आना था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क अनिवार्य किया गया था। हालांकि यहाँ पर हमें काफ़ी संख्या में सैलानी दिख रहे हैं। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर हमें सैलानी देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन कहीं भी हमें मास्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि लोग काफ़ी खुश यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस हिसाब से शहर के अन्य पिकनिक स्थलों पर भी सरकार के द्वारा तमाम तरह के गाइडलाइन दिए हुए हैं उसका पालन किया जा रहा है, हालांकि यहाँ पर हमें गाइडलाइन का पालन तो देखने को नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद काफ़ी संख्या में हमें यहाँ पे सैलानी दिख रहे हैं जो अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं। अगर हम बात करें भटिंडा फॉल की तो ये बहुत ही पुराना पिकनिक स्पॉट है, और यहाँ जो है धनबाद के लोग अक्सर आया करते हैं। दिसंबर माह का बाद अगर हम बात करें और जनवरी में तो काफ़ी संख्या में सैलानी पिकनिक मनाने अपने परिवार के साथ निकलते हैं, और यहाँ पे वही हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें पिछले साल की तो पिछले साल यहाँ पे इससे ज़्यादा संख्या में लोग हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से अभी भी काफ़ी कम संख्या में है। लेकिन उसके बावजूद सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे ज़्यादा लोग हमें देखने को मिल रहा है। हम कुछ सैलानियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ पे उन्हें पिछले बार के मुकाबले अंतर देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर आई हैं, कैसा आपको महसूस हो रहा है अगर पिछले साल की बात करो और इस साल की बात करें? पिछले साल के बनिस्पत यहाँ कोविड-19 को लेकर यहाँ पे भीड़ बहुत कम है। ऐसे मैं 7-8 साल 10 साल से लगातार आ रही हूँ, काफ़ी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन इस साल कोविड-19 को लेकर भीड़ बहुत ही कम। कुछ छोटे बच्चे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ पे कैसे महसूस हो रहा। आप लोग आज आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील होता है, हम लोग हर साल आते हैं, और बट कोविड-19 की वजह से हम लोग ये डिसाइड करके आए हैं कि सेफ्टी से रहना है बिकॉज कोरोना है, सो इसलिए। हर साल हम लोग आते हैं, पर इस साल थोड़ी सी भीड़ कम है, पर कोविड-19 का फिर भी इंजॉय पूरा हो रहा है हम लोग का, मस्ती। थोड़ी भीड़ भी कम है तो हम लोग इंजॉय ज़्यादा कर पा रहे हैं। आप बताइए कि कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सेफ्टी को लेके क्या कुछ ध्यान में रखा है? मास्क, सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चों का ये कहना है, बच्चों को भी ये चीज़ का मालूम है कि पिकनिक तो मनाना ज़रूरी है लेकिन मास्क और सैनिटाइजर जो है अनिवार्य। आप बताइए कि आप यहाँ फैमिली के साथ आए, किसके साथ आए हैं? अपने परिवार के साथ आए हुए हैं, फैमिली के साथ। कोविड को लेके आपको मन में कोई ऐसा डर है या नहीं है कि जैसे पिकनिक मनाने जा रहे हैं लेकिन सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है? ऐसा कोई डर भय तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी सब कोई यहाँ कोई मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, और ऐसा किसी के अंदर ऐसा कोई डर महसूस नहीं हो रहा है कि कोविड-19 है तो डर लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग एंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि वो फैमिली के साथ आए हैं, हालांकि मास्क जो है यहाँ पे किसी को पहने हम नहीं देख सकते, उसके बावजूद लोग जो है अभी भी कोरोना को लेकर सजग। अगर हम बात करें तो धनबाद में कल भी 25 नए मामले सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं कोरोना खत्म होने के बाद भी वापस से हम ये कह सकते हैं कि आ रहा है। तो सरकार के प्रशासन के साथ ही साथ यहाँ मौजूद लोगों को भी खुद ब खुद कोरोना को लेकर खुद को जागरूक रखना होगा, क्योंकि ये नया साल आने वाला, ये साल खत्म होने वाला, तो दिसंबर और जनवरी का जो महीना है हम ये कह सकते हैं कि पिकनिक का जो माहौल रहता है वो हर घर में देखने को मिलता है, सभी अपने परिवार के साथ निकलते हैं, तो आप जरूर जाएं पिकनिक मनाने, लेकिन सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, सेफ्टी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग बिहार से मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनके उमंग है पिकनिक को लेकर। आप बताइए, आप यहाँ पे बिहार से आए हैं? बिहार से आए हैं इस धरती पर, लेकिन हम लोगों को बहुत बढ़िया मनोरंजन मिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने से, हम लोग संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना को लेकर आपके मन में कोई डर है या नहीं है? कोरोना के लेकर के यहाँ कोई डर भय नहीं है, सारे लोग ठीक है और ठीक ही रहेगा। आप बताइए,
हम लोग बिहार से झारखंड आए हैं इसलिए क्योंकि झारखंड में इस जगह का नाम मैं बहुत सुन रखी थी और इसकी प्राकृतिक छटा को देखकर ऐसा लग रहा है कि रियल ये झारखंड की जो खूबसूरती को बढ़ा रही है। रियली यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, यहाँ का टाइम स्पेंड करना बहुत ही मस्ती वाली है। आई फील इन्जॉय एंड फुल फैमिली टू इन्जॉय। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार से हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग थे और उनका यही कहना है क्योंकि झारखंड का ये जो प्रतिष्ठित टूरिस्ट स्पॉट हम कह सकते हैं बठिंडा फॉल, प्रकृति की जो छटा है हमें यहाँ देखने को मिलती है। जिस हिसाब से यहाँ पे लोग आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ, हम देख सकते हैं कि काफ़ी उत्साह उन लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। अपनी फैमिली के साथ आना, यहीं पर खाना बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालाँकि जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक तरफ इन्जॉयमेंट ज़रूर है लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जागरूक रखना, कोरोना को लेकर जागरूकता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ संभवी मिरर मीडिया धनबाद।